हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। पहले तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके लिए लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ समथिंग विच आई वांट टू एड्रेस, कि अगर मुझे 10 एक्सरसाइजेज चूज़ करनी हो, कि सिर्फ 10 एक्सरसाइज हैं मुझे वो लाइफ में करनी है, वो कौन सी होंगी वो 10 एक्सरसाइजेज जो मैं हमेशा करूँगा, और अगर वो अदर मशीन्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर कुछ और अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, बट फिर भी आई विल डू दोज 10 एक्सरसाइजेज, वो कौन सी 10 एक्सरसाइज हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे एक बेल आइकन होगा यहाँ पे, और इसको प्रेस कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी बार बार जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ या मैं कोई रील पोस्ट करता हूँ, शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि मोस्टली जो वीडियोस हैं मैं शॉर्ट्स के थ्रू पोस्ट करता हूँ, मेरी लॉन्ग वीडियोस थोड़ी कम होती हैं, लाइक हफ्ते में एक या दो बार ही, लेकिन जो शॉर्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डेली होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। पहली एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करूँगा वो है पुलअप्स। पुलअप्स इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज जो मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पुलअप्स से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे ग्रिप स्ट्रेंथ मिलती है, एंड वी टेपर मिलती है, मेरी बैक के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब मैं पुलअप्स करता हूँ। सो पुलअप्स इज़ द ओनली एक्सरसाइज दैट आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब कि पुलअप्स मैं हमेशा करूँगा, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड करूँगा, और कुछ इंक्लूड करूँ या ना करूँ। सो नंबर टू एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, बाबल स्क्वाट्स, मशीन स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स, या किसी भी तरह की स्क्वाट मूवमेंट। अगर आपके जिम में कोई स्मिथ मशीन है, कोई भी स्क्वाट मूवमेंट आप चूज़ कर सकते हो। सो स्क्वाट्स इज़ अ नंबर वन एक्सरसाइज अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, जो मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगा। सो स्क्वाट्स मेरे रूटीन में हमेशा रहता है, जब भी मैं लेग स्ट्रेन करता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिस दिन मैं स्क्वाट्स ना करूँ बट मैं लेग कर्ल्स कर लूँ या लेग एक्सटेंशन कर लूँ, लेग प्रेस कर लूँ, ऐसा वर्क नहीं करता है मेरे लिए, क्योंकि आई डोंट फील स्ट्रांग अगर मैं ऐसा करूँ। सो मुझे हमेशा स्क्वाट्स अपनी रूटीन में करनी होती है लेग्स डे वाले दिन। सो दीज आर द टू एक्सरसाइजेस, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स, जो हमेशा करूँगा। नंबर थ्री एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रो। वन आर्म डंबल रो इसलिए क्योंकि मेरे लैट्स थोड़े इम्बैलेंस होते थे पहले, एक लैट्स छोटा एक बड़ा, और वन आर्म रो के साथ क्या हुआ कि जब मैंने उसको बराबर के रेप्स, बराबर का वेट, बराबर का टेम्पो लगाया अपने बैक वर्कआउट में, मुझे लगा कि मेरे जो लैट्स हैं वो सिमेट्रिकल होने शुरू हो गए हैं। सो इसलिए आइसो एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सिंगल आर्म जॉइंट मूवमेंट करनी भी उतनी ज़रूरी है जितनी मल्टी कंपाउंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। सो हमेशा वन आर्म रो हमेशा ऐड करता हूँ। वन आर्म रो में आप एक और वेरिएशन ऐड कर सकते हो, विच इज़ वन आर्म लैट पुल डाउन, आप वो भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपके जो लैट्स हैं वो इम्बैलेंस ना रहे। जैसे आप देख रहे हो मेरे थोड़े से इम्बैलेंस थे पहले, बट नाउ आई डोंट फील दैट इम्बैलेंस अभी। नंबर फोर एक्सरसाइज इज सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। यस, नॉट ऑन द रॉड, बारबेल पे नहीं, लेकिन डंबल्स पे मुझे ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रैक्शन आती है। डंबल्स पे मैं सिंगल आइसो भी कर सकता हूँ, उसको आर्नोल्ड भी कर सकता हूँ, और उसकी जो टेम्पो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, और स्क्वीज़ और कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, जो कि बारबेल में पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट एक्सरसाइज, जो मैं कभी अपनी एक्सरसाइज रूटीन में से नहीं निकालता हूँ, वो हमेशा उस रूटीन में रहती है। ओके, नंबर फाइव इज़ बारबल रो। बारबल रो क्योंकि इट वर्क्स इंटायर बैक, मतलब जो बारबल रो है वो सारी इंटायर बैक को वर्क करती है, आपके ट्रैप्स, आपके रियर डेल्ट्स, आपके मिड बैक, रोम्बॉइड्स, एंड आप इस पे हैवी जा सकते हो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हैवी जा सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग आई ऑल्सो लाइक, मैं कभी भी अपनी एक्सरसाइज रूटीन में से बारबल रो को नहीं निकालता हूँ, वो हमेशा मेरी एक्सरसाइज रूटीन में रहती है। उसके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, ग्रिप डिफरेंट हो सकती है, अंडर हैंड, ओवर हैंड, या ऐश रो, विच आई इन्वेंटेड फ्रॉम अ कोच जिन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत, एंड वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हो कोई ना कोई बारबल रो में, बट आई लाइक बारबल रो बेसिक, हैवी एंड हार्ड। नंबर सिक्स एक्सरसाइज इज़ हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि लोअर बैक, स्पेसिफिकली लोअर बैक को वर्क करती है वो हाइपर एक्सटेंशन, नॉट एनी अदर मसल ग्रुप। मे बी अगर आप उसका एंगल चेंज करते हो तो आपके ग्लूट्स या हैम्स वर्क हो सकते हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेसिफिकली टारगेट योर लोअर बैक, जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो हाइपर एक्सटेंशन से अच्छी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता और कोई है। सो वेटेड या बॉडी वेट आप दोनों तरीके से लगा सकते हो हाइपर एक्सटेंशन, राइट?
नंबर सेवन इज सीटेड डंबल कर्ल्स फॉर बाइसेप्स, इंक्लाइन या स्ट्रेट पोजिशन, आप कोई भी पोजिशन चूज करके कर्ल्स कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज जो मैं कभी भी अपनी रूटीन में से नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। नंबर एट इज साइड लैटरल्स फॉर योर साइड डेल्ट्स, क्योंकि अगर आपके डेल्ट्स साइड से बिग होंगे तभी आपकी वी टेपर आएगी। अगर आपके डेल्ट्स जो हैं वो वीक हैं, छोटे हैं, केज्ड हैं, तो वो कभी भी आप वी टेपर नहीं लगोगे। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ योर मसल ग्रुप्स शुड बी देयर, बट साइड लैटरल्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमेशा एक वी टेपर ब्रिंग करने में, आपके शोल्डर्स को वाइड करने में हेल्प करती है। सो साइड लैटरल्स इज माई फेवरेट एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन नंबर एट पोजिशन, नॉट नंबर एट पोजिशन बट आई एम काउंटिंग ऑन, मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो दे ऑल टॉप 10, ठीक है। नंबर नाइन इज़ स्ट्रेट आर्म पुल डाउन और डंबल पुल ओवर्स, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज बट ग्रेट फॉर योर लैट्स, चाहे आप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लगाओ या डंबल पुल ओवर्स लगाओ, दोनों आपके लैट्स पे वर्क करती हैं। मैं इनको कभी भी अपनी रूटीन में से नहीं निकालता हूँ। इफ़ आई एम ट्रेनिंग बैक, डंबल पुल ओवर्स हमेशा होते हैं। इफ़ आई एम ट्रेनिंग बैक, बारबेल रो हमेशा होती है। इफ़ आई एम ट्रेनिंग बैक, पुलअप्स हमेशा होते हैं। सो ये है नाइन जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी। अब मैं आपको बताऊँगा नंबर टेंथ एक्सरसाइज कौन सी है। नंबर टेंथ इज़ मशीन चेस्ट प्रेस और इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस फॉर योर अपर चेस्ट डेवलपमेंट, जो कि सबसे वीक रहती है सबकी। तो अपर चेस्ट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है डंबल्स को अपर चेस्ट पे लेके आना, देन स्क्वीज करना। सेम पोजीशन मेरी मशीन पे भी है, कोई भी आप मशीन यूज़ कर सकते हो, स्मिथ मशीन या सिंगल जॉइंट मूवमेंट मशीन्स जो होती हैं, जैसे मेरे जिम्स में दो मशीन्स हैं अपर चेस्ट के लिए। सो ये है नंबर टेंथ मशीन या एक्सरसाइज जिसको आप बोल सकते हो, विच आई नेवर स्किप ऑन माई चेस्ट डे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो विच आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके साथ टॉप 10 एक्सरसाइज शेयर करूँ, एंड कर दी मैंने। आई होप यू गाइज लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर मदर, मच लव।